एचएल टीवी न्यूज। सोनीपत पुलिस ने दिल्ली के दो वांटेड 50,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सिट टीम ने दोनों को रोहतक की सीमा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सुनील और फिटेलू दिल्ली व विकास जिला रोहतक का रहने वाला है। दोनों दिल्ली सोनीपत हत्या लूट चोरी की करीब आधा दर्जन वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं डीआईजी हरदीप धून ने प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने सोनीपत में टीचर की हत्या, चोरी व हत्या के प्रयास सहित दिल्ली में 2 लोगों को गोली मारने, कार छीनने के मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इनसे एक पिस्तौल व कारतूस सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। रिमांड के दौरान दिल्ली, यूपी, हरियाणा की कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड एवं 50,000 का इनामी बदमाश को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एसआईटी इंस्पेक्टर संदीप और उसकी टीम ने रोहतक की सीमा से इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के ऊपर लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमों में शामिल हैं। ये कुमासपुर में एक मास्टर की डेथ मृत्यु हुई थी, उसमें भी ये खाड़ा मुरथल का दोषी, उसमें भी। इसके अलावा इसने दिल्ली में अरुण मानी वासी अलीपुर उसके जिम के अंदर घुस के उसको भी गोली मारी थी। इसके अलावा प्रवेश दैया की दुकान में, ये भी कारजुन नगर दिल्ली में है, उसकी दुकान में घुस के वहाँ गोली मारी थी। इसके अलावा इसने थाना बरोदा में 2015 में 307 का मुकदमा दर्ज है, पुलिस पार्टी के ऊपर भी हमला किया था। इसके अलावा शालीमार बाग से एक इसने जो डस्टर गाड़ी है वो चोरी की थी। इसके अलावा इससे एक पिस्तौल, देसी 12 बोर, 4 जिंदा रोंद और 1 पिस्तौल देसी 315 बोर और 6 रोंद इसे बरामद किए। सोनीपत से हलचल टीवी के लिए संजीव घंगास की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।